समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव एक जमाने बाद फिर गरजे और आजम खान का बचाव करते हुए प्रशासन और अधिकारियों पर जमकर हमला बोला। मुलायम ने आजम का बचाव करते हुए बीजेपी को भी निशाने पर लिया। मुलायम ने कहा कि आजम देश के बड़े नेता हैं, मगर बीजेपी के राज में उनके खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है, मगर बीजेपी सरकार चुप है। मुलायम यही नहीं रुके, मुलायम ने ऐलान किया कि अगर आजम खान के खिलाफ कोई एक तरफा कार्रवाई हुई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान मुलायम ने बताया कि आज मजदूरों के एक नेता को जमीन घोटाले से लेकर ना जाने कितने मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जबकि आजम का पूरा जीवन गरीबों के लिए संघर्ष करते हुए बीता है। इस दौरान मुलायम ने मीडिया को भी अपना काम ठीक से करने की हिदायत दी। मुलायम ने कहा कि एक वक्त उन्होंने मीडिया के खिलाफ हुए अन्याय के लिए आवाज उठाई, आज वक्त है कि मीडिया आजम के मामले में सही पक्ष को दिखाए। वक्फ की जमीन से कब्जा तत्काल जिला अधिकारियों पर सतीचर द्वारा हटा गया और बरसों बाद इस तारतम्य में लूट डकैती की रिपोर्ट आजम खान उनके साथियों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लिखी गई। डकैती, अब आप तो जान जाते पत्रकार मित्र डकैती डाली कहीं आजम खान ने या आजम हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। सरकारी जमीन पर सरकारी आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा जिन अवैध कब्जों को हटाया गया, बरसों बाद अवैध कब्जाधारियों की शिकायत पर शासन द्वारा आजम खान समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगी और आज आपके सामने में कहना ही चाहता हूँ। आज अच्छा सवाल कर दिया, पहले कह रहे थे हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील करते हैं कि आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाए कल ही और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर दें और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। इसलिए मामूली बात नहीं है, आप सब ये अपील है कि आजम खान कैसे नेता हैं आपको सबको पता होगा। पढ़ाई लिखाई खैर उन्होंने बहुत अच्छी की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसके बाद दूसरी जगह भी वो पढ़े तो पढ़े लिखे और बहुत साधारण परिवार के गरीब परिवार के सारे गरीब परिवार के थे, लेकिन आज उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है पूरे देश में। इसे हमारी अपील है अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार मित्रों को आजम के बारे में सब कुछ पता है तो उससे अगर कमी हो तो बता दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। कहाँ ये कमी तो हम ही कह देंगे प्रेस को, तो इसलिए आज हम आपसे अपील करने आए हैं। सब पत्रकार मित्र आजम के बारे में सच्चाई जानते हैं कि आजम कैसे नेता हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं एक गरीब परिवार से। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, आज हम सारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, राज्य कार्यकारी के मेंबर हैं, उनसे बातचीत करके और हम कल आपको यह परसों बता दें कि आंदोलन कब चलें। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये सही है, नाम नहीं लेना है, उन लोगों ने कहा यह गलत हो रहा है और इससे पार्टी का नुकसान होगा के बाद बीजेपी की सरकार है। अरे आपके साथ पत्रकारों के साथ जब अन्याय हुआ तो नहीं हम खड़े हुए, आप समझ लीजिए कि हमने हजरतगंज से लेकर के पूरा का पूरा वो जो आपके नदी है ओके पुल को भेज लिया। मुलायम ने बताया कि आजम ने चंदे के पैसे से रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें देश विदेश के छात्र पढ़ रहे हैं, इसमें मेरा और मेरे साथियों का भी सहयोग है। सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने वाला इंसान डेढ़ दो बीघा जमीन की बेईमानी क्यों करेगा। उन्होंने प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की, जिस प्रकार से आजम खान को अपमानित किया जा रहा है उसके खिलाफ सभी तैयार हो जाएं। अब पूरे देश में आंदोलन होगा और इस आंदोलन की अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। एक दौरा था जब मुझ पर भी तमाम मुकदमे झूठे लगाए गए थे, मैं एक दर्जन जेलों में रहा हूँ। मुलायम ने कहा कि ये पूरी तरह बदले की कार्रवाई है, हम आजम के पक्ष में हैं और रहेंगे भी। सरकार आजम खान को अपमानित करना बंद करे। पता होगा कि हमारे साथ कितना हुआ,
मैं कितने दिन फरार रहा और कितने दिन जेल रहे, जेल रहे हम 3.5 साल। इन्होंने हमेशा कोई ना कोई केस मुझे लगा दिया। सब मिला करके जितने केस लगाए गए उन्हें हम फतेहगढ़ की जेल में, बनारस की जेल में, देवरिया की जेल में, जहाँ हम गए वो इटावा की जेल में, मैं कम से कम 1 दर्जन जेलों में रहे। लेकिन आपने उस पर मुझे खुशी बात की है, उस वक्त समय हमारे पत्रकार मित्रों ने हमारा साथ दिया और लिखा, बहुत अच्छा लिखा आर्टिकल कि मुलायम सिंह के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आजम खां के बारे में आप जानते हो, कोई गलत काम नहीं कर सकते, किसी से पैसा नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम आप चाहते हैं, हमारी अपील है, प्रार्थना है कि आजम के बारे में जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ भी लिखें, और जो आप जानते हैं उनके बारे में कुछ अच्छी बहुत सी बातें वो भी लिखें। आज अब कोई और सहारा है नहीं आजम के लिए पत्रकार मित्रों के अलावा। इसलिए हमारी अपील है, हम तो संघर्ष करेंगे, लेकिन पत्रकार मित्रों से हमने अन्याय कर रहे अधिकारी, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि आजम जैसे नेता के साथ अगर अन्याय सुन लीजिए, अन्याय हो रहा है तो बीजेपी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, नहीं किया। मुलायम सिंह ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता सपा को आजम खां के बहाने बदनाम करना चाहते हैं। आजम अपने संघर्षों से देश के नेता बने। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, यहां तक कि उन पर भूमाफिया का टैग भी लग चुका है। उनके खिलाफ रामपुर में अब तक 76 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में आजम खां पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। आजम खां को इन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने मुलायम सिंह से मुलाकात की थी और अपने पति को बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में इस विषय पर मंथन हुआ और खुद मुलायम सिंह यादव आजम खां के बचाव में उतरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे मुलायम को आजम के लिए चिंता और उनकी परेशानियों में साथ खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती करीब 33 साल पुरानी है। 1992 में जब मुलायम सिंह ने लोकदल से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी का गठन किया तो आजम खां मजबूती से उनके साथ खड़े रहे और आज तक वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, और अब जब आजम खां बुरे दौर में है तो पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।